हेलो एवरीवन, सो आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है लिंक लिस्ट। इससे पहले प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर के वीडियोस जो मैंने रिकॉर्ड किए थे वो मैंने आई थिंक 2014 दिसंबर के आसपास रिकॉर्ड किए थे। 2014 दिसंबर से लेकर 2015 जुलाई के आसपास मैंने रिकॉर्ड किए थे, यानी कि जो पिछले जो वीडियोज़ मैंने बनाए थे फॉर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स वो काफ़ी पुराने वीडियोज़ हैं। और उस समय पर आई वाज जस्ट स्टार्टिंग कि किस तरीके से हम वीडियोस बना सकते हैं, किस तरीके से लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है, हर चीज़ों को बस उस समय सीख रहा था। तो जो लेक्चर्स हैं दे आर गुड, बट स्टिल आई फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अब इस वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे कि लिंक लिस्ट को आई टेक लिंक लिस्ट फ्रॉम अगेन फ्रॉम द बेसिक्स। तो लिंक लिस्ट को हम लेंगे, लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं उन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने वो वीडियोस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तब भी आप अगर इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो ये लेक्चर फिर भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप पुराने वीडियोज़ को देखा है, पुराने वीडियोज़ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके अलावा भी मैं बहुत सारे नए ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। अब बिकॉज हम इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम ऑलरेडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें बेनिफिट रहेगा कि मुझे भी एक बेनिफिट रहेगा समझाने के लिए कि आपको अगर ऑलरेडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता है तो मैं हर एक लिंक लिस्ट के हर एक ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर सकता हूँ। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे ऐसे नए नए ऑपरेशन दूंगा, बहुत सारे ऐसे नए नए चीज़ें दूंगा जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब जो बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन स्टडी द एंटायर कॉन्सेप्ट एंटायर वीडियोस, जो अगेन जो इस वाले सीरीज़ की इस वाले चैप्टर की जो वीडियोस हैं ये काफ़ी लेंदी होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 hours से लेकर 8 hours के आसपास का ये पूरा चैप्टर रहेगा हमारे पास। और जो बच्चे UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक अगर आप सारा लेक्चर गो थ्रू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है तब भी, क्योंकि उससे आप बाकी दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली, आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, इस टॉपिक को आप ना नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी आने वाला है। लेकिन लिंक लिस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट ऐसा चैप्टर है जो कि ऑलरेडी काफ़ी इजी है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ये काफ़ी इजी चैप्टर है। और आपको अगर प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है तो ये आपके लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके करियर के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको करने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को हम कवर करें, तो चाहे वो इजी हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो एडवांस लेवल हो, अगेन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ को मैं काफ़ी इजी तरीके से पढ़ा सकूँ। देखो कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आप एक इजी चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाएंगे तो वो आपको एक अच्छा टीचर नहीं बनाता। कोशिश ये रहेगी मेरी कि अगर मैं हर एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी तरीके से समझा सकूँ, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो, अगर मैं आपको इस लेवल पर लेके आ सकूँ कि उस डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को भी इसी तरीके से समझा सकूँ तो मैं अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल समझूँगा उस केस में। तो फिर से मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा अपने हर एक लेक्चर में, चाहे वो एक इजी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इजी चैप्टर हो, चाहे वो इजी टॉपिक हो, या फिर एक डिफ़िकल्ट चैप्टर, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, मैं हर एक केस में यही कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ को एक इजी मैनर में आपको समझा सकूँ और इस तरीके से समझाऊँ कि वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहे, यानी कि आप उसको ज़्यादा टाइम तक याद कर सकें, याद रख सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लिंक लिस्ट, टॉपिक नेम इज़ लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, ओके लिंक लिस्ट। हमें ऑलरेडी पता है व्हाट इज़ अ लिंक लिस्ट, यू ऑलरेडी हैव सम आइडिया अबाउट व्हाट इज़ एन अरे, यू ऑलरेडी हैव सम आइडियाज अबाउट व्हाट इज़ अ लिंक लिस्ट, बट स्टिल अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा आइडिया भी नहीं है तब भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज अगेन मैं काफ़ी बेसिक से ही शुरू करता हूँ, मैं हर एक टॉपिक को बहुत बेसिक से लेकर चलता हूँ। तो मुझे बस इतना देखो, मैं आप एक सिंपल सी अजम्पशंस ये भी रहती है कि अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी बैचलर्स और मास्टर्स कर चुके हो, आइदर यू आर मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, आइदर यू हैव डन MCA और यू हैव डन MSc। तो इसका मतलब है कि आपने थोड़ा सा हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक जो है ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस आपको वो चीज़ें रिकॉल करनी है। अगर आप BTech भी कर चुके हैं, जैसे अगर आप PhD प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यानी कि आप ऑलरेडी BTech भी कर चुके हैं, तो एक अजम्पशन तो ये भी रहती है कि आपको थोड़ा सा आपको ऑलरेडी एक सब्जेक्ट के बारे में, एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया है। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं भी है तब भी चलेगा, क्योंकि मैं बेसिक से ही लेके चल रहा हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा एक गो थ्रू भी करेंगे किसी चीज़ को लेकर भी तब भी आपको बहुत इजीली हर एक टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है।
तो लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, देखो बेसिक से समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज है, चाहे वो सी प्लस प्लस है, चाहे वो जावा है, या फिर वो डॉट नेट है, या फिर वो पाइथन है, या फिर एनी लैंग्वेज, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट्स को पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है, मीन्स यू आर स्टडिंग बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब ध्यान रखिएगा, जब भी मैं कुछ करवा रहा हूँ तो उसके नोट्स आप साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि ये फिर आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं और लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में आपको काफ़ी इजी भी रहेगा, ठीक है। तो साथ साथ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करता रहूँगा हर एक एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट करने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि मेरे हर एक लेक्चर को, हर एक सीरीज़ को आप थोरली गो थ्रू करें, थोरली फॉलो करें। जितना मुझे फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी यू कि मैं इतना अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूँ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दूंगा कि आप एग्जामिनेशन को बहुत ही ईजिली क्रैक कर लेंगे और हर चीज़ बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा, लेकिन आपकी तरफ से मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप मेरे हर एक लेक्चर को काफ़ी एक जिसको कहते हैं शिद्दत से, या फिर कहो कि हर एक लेक्चर को थॉरली आप गो थ्रू तरीके से थॉरली फॉलो करें। अगर मेरे लेक्चर्स को आप फॉलो करेंगे तो लंबे टाइम तक मैं गारंटी कह सकता हूँ आपको किसी भी चीज़ में कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाले, आपको अपनी करियर के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि मुझे मेरे करियर में इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था और आपके करियर में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो सबसे, अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने का मतलब क्या है कि हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कंस्ट्रक्ट्स को पढ़ रहे हैं। बेसिक कंस्ट्रक्ट्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कैसे करते हो, फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी तरह की लूपिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने तरह के वहाँ पर डेटा वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, उन वेरिएबल से आप वैल्यूज़ कैसे असाइन करेंगे, उनको कैसे डिक्लेयर करेंगे, या फिर क्या क्या अलग अलग तरीके के पॉइंटर्स हैं, फंक्शंस एंड पॉइंटर्स एंड मेथड्स एंड क्लासेस, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट है, उन सबको हम तब पढ़ते हैं जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लिया, यानी कि उसके हर एक कंस्ट्रक्ट्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसका मतलब ये गारंटी नहीं करता कि आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं। प्रोग्रामर का जो मेन एम होता है वो होता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब जो प्रॉब्लम्स हैं दे कैन बी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तो अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बनेगी, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से प्रोग्रामिंग स्किल बनेगी। काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे हैं, जैसे काफ़ी लोकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाते हैं, सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए अगर आप स्कूल्स में जाएंगे, तो आजकल 8th क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर भी, इवन 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर आप 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को लेंगे, तो उनके अंदर सी, उनके सिलेबस के अंदर सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा, या फिर पाइथन, या फिर VB.NET, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो इतनी इनडेप्थ के अंदर गिवन है, जितनी इनडेप्थ में आप अपनी बीटेक में भी नहीं पढ़ते। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके पीछे पूरा जो बेसिक्स, जो पूरा बैकग्राउंड है, वो हर चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है। अब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि जो भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ डेटास अवेलेबल है, कि किस तरीके से डेटा आप स्टोर करेंगे। जैसे कि अगर मैं सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस की बात करता हूँ, तो हमारे पास कुछ बेसिक डेटा टाइप्स है, जैसे कि हमारे पास इंटीजर है, हमारे पास फ्लोट है, हमारे पास लॉन्ग है, हमारे पास कैरेक्टर है। तो जो हमारे पास ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं, उसमें किसी तरीके से आप डेटा स्टोर करते हो, लेकिन उस डेटा को स्टोर करने से हमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आप डेटा को किस तरीके से स्टोर करेंगे, आप डेटा को स्टोर करने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, जिससे आप अपने, जिसको आप यूज़ कर सकें प्रॉब्लम सॉल्विंग के केस में,
ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि हम एक ट्री एज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ट्री डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हम डेटा को ट्री की फॉर्मेट में इस तरीके से हम डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब ट्रीज भी अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि हमारे पास बाइनरी ट्री है, हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, अलग अलग वो डेटा ट्रीज की प्रॉपर्टीज़ हैं, हम किस किस तरह से डेटा को ट्री की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास हीप्स एक डेटा स्ट्रक्चर है। हीप्स के अलावा भी हमारे पास जैसे एवियल ट्री है, वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। हमारे पास हैश टेबल्स एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसा डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे जो कि बस ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपको डेटा को किस तरीके से स्टोर करना है। ठीक है, जैसे एवियल ट्री है, दिस आर बैलेंस्ड ट्रीज। एवियल ट्री के अलावा हमारे पास रेड ब्लैक ट्री हो सकते हैं, हमारे पास 2-3 ट्री हो सकते हैं, हमारे पास 2-3-4 ट्री हो सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्टोर करने का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं अरेज की बात करता हूँ तो अरेज के अंदर भी डेटा स्टोर होता है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है हमारे पास अरेज। अरेज के अंदर भी आप डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन अरेज के अंदर आप जो डेटा स्टोर करेंगे तो वो एक लीनियर फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं, जहाँ पर स्पेशली लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का भी एक यहाँ पर अरेज के अंदर बेनिफिट आता है। वो सब चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बट अरेज के अंदर डेटा आप स्टोर करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अरे इज ऑल्सो ए डेटा स्ट्रक्चर। उसी तरीके से हमारे पास लिंक्ड लिस्ट जो है, लिंक्ड लिस्ट के अंदर भी आप डेटा स्टोर करते हैं, तो लिंक्ड लिस्ट इज ऑल्सो ए डेटा स्ट्रक्चर। लिंक्ड लिस्ट इज ऑल्सो ए डेटा स्ट्रक्चर। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिस फॉर्मेट में आप डेटा को स्टोर करेंगे। अब मैं हर चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके, ऑब्वियसली, तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे ये समझने में कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। और बिकॉज आप डेटा को अलग अलग तरीके से स्टोर कर पाएंगे तो ये आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, उसके बाद जब प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे उसको बोलते हैं हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, या फिर एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड एनालिसिस। तो काफ़ी स्टूडेंट इसको एडा बोलते हैं, कुछ DAA बोलते हैं, जैसे DAA डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, या फिर ADA एल्गोरिथम डिज़ाइन एनालिसिस वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट है अलग अलग नाम से फेमस है। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास एल्गोरिथम डिज़ाइन एनालिसिस, इसका मतलब क्या है, वी आर स्टडिंग डिफरेंट टेक्निक्स टू प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि वी आर स्टडिंग डिफरेंट टेक्निक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, जो जो अलग अलग टेक्निक्स प्रेजेंट हैं, हम उन सभी टेक्निक्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन द सब्जेक्ट डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट को मास्टर करते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग को, डेटा स्ट्रक्चर्स को एंड एल्गोरिथम्स को, अगर आप तीनों सब्जेक्ट को मास्टर करते हैं तब आपके अंदर, हम कह सकते हैं आपके अंदर थोड़ा प्रोग्रामिंग की जो नॉलेज है, आपके अंदर थोड़ी वो प्रोग्रामिंग की नॉलेज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको पढ़ने से आपके पास सिर्फ प्रोग्रामिंग की नॉलेज आएगी, लेकिन उसके अलावा भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको पढ़ना है, वो सभी सब्जेक्ट आपको चाहिए टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास कुछ स्केलेबल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्केलेबल प्रॉब्लम है कि लेट अस से आपके पास गूगल की हम बात करते हैं, तो गूगल को जब वेब पेजेस सर्च करने हैं तो वेब पेजेस को कहाँ पर स्टोर करेगा, बिकॉज देयर इज TBs एंड TVs ऑफ द ह्यूज डेटा जो कि आप एक सिंगल डेटा सेंटर पर स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके अंदर आपको एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, किस किस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को प्रपोज करें, ऐसे सॉल्यूशंस को प्रपोज करें जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, जहाँ यहाँ पर जो कि प्रॉब्लम है ह्यूज डेटा सेट की प्रॉब्लम है, और उस ह्यूज डेटा सेट में से आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल करना है एट अ वेरी फास्ट स्पीड, तो इस तरह के प्रॉब्लम को भी आपका जो सिस्टम है वो ईजिली सॉल्व कर सके। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट आपको सिर्फ इतनी हेल्प करेगा कि आप ये समझ सको कि एक्चुअली हमें प्रोग्रामिंग करनी कैसे। जब आपको पता है कि हमें प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, फिर आपको नॉलेज चाहिए बाकी सब्जेक्ट के। तो हर चीज़ जो है वो काफ़ी इंटरलेटेड है एक दूसरे के। तो पिछले वीडियो में मैंने डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम से स्टार्ट किया था, जहाँ से मैंने इसका एक टॉपिक कराया था जिसको बोलते हैं कि आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे
अलग अलग प्रोग्राम्स को, यानी कि अगर दो एल्गोरिथम्स आपको गिवन है, यानी कि दो प्रोग्राम्स आपको गिवन है, तो दोनों में से कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा बेटर है, कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की थी। अब मैं इस पूरे सब्जेक्ट में इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच में आइट्रेट करता रहूँगा, यानी कि मैं कुछ टॉपिक्स है जो यहाँ से डिस्कस करूँगा, फिर कुछ टॉपिक्स यहाँ से डिस्कस करूँगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि हर चीज़ इंटररिलेटेड कैसे हैं। तो पूरे सब्जेक्ट के लिए मैं अपना खुद से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रपोज कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर पढ़ाने का तरीका प्रपोज कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी एज्यूम कर रहा हूँ कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ चुके हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप C++ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप पढ़ चुके हैं। एजम्पशन मेरी है कि सी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ के अंदर मैं जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा वो सभी प्रॉब्लम सी लैंग्वेज के अंदर होंगी। मैं ऑलरेडी ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग अभी भी नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस पर जाइए, प्रोग्रामिंग के वीडियोस को, उन वीडियोस को पूरा थॉरली गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से आप इस वीडियो पे आइए और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स और एडा के कॉन्सेप्ट्स, इन दोनों के बीच में आइट्रेट करते रहेंगे और चीज़ों को हम मिक्स करेंगे इस तरीके से कि ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये एक्चुअली इतने इंटररिलेटेड हैं एक दूसरे के कि आप इसके बिना आप इसको नहीं पढ़ सकते और इसके बिना आप इसको नहीं पढ़ सकते, और दोनों को पढ़ने के लिए आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटररिलेटेड है एक दूसरे के, तो तीनों सब्जेक्ट की नॉलेज होना, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है लिंक लिस्ट, कि लिंक लिस्ट एज ए डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, लिंक लिस्ट के अंदर हम डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं, लिंक लिस्ट का अरेज के अगेंस्ट क्या बेनिफिट है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक, यानी कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं एक बार वाइट बोर्ड रब करता हूँ, मैं दोबारा से आपके पास आता हूँ और दोबारा से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक विच इज़ लिंक लिस्ट। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई मीन यू शुड नो कि लिंक लिस्ट होता क्या है और लिंक लिस्ट के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बेसिक थ्योरी, एक लिंक लिस्ट होती क्या है, देखो लिंक लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि आप डेटा को किस तरीके से स्टोर करेंगे उसके लिए हम लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर को हम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर हमारे पास दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर आएंगे, जो डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं दो तरह के होंगे, पहले जो ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि या फिर लैंग्वेज डिफाइंड और कैसे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरे जो यूज़र डिफाइंड होंगे, यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए जो डेटा स्ट्रक्चर है इसी तरीके से हम पास डेटा वेरिएबल्स की बात करते हैं, डेटा वेरिएबल्स जो कि प्रिमिटिव डेटा वेरिएबल्स हैं, जैसे इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, ये जो डेटा वेरिएबल्स हैं ये प्रिमिटिव है, और हमारे पास जो स्ट्रक्ट एक आता है, स्ट्रक्ट जो है वो यूज़र डिफाइंड डेटा वेरिएबल है। उसी तरीके से जब मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो कुछ हमारे पास प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास अरे, यानी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑलरेडी हमें एक अरे एज ए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करते हो तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपके पास प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर आप जावा लेंगे तो जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सी लैंग्वेज। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन लैंग्वेज कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है ये डिपेंडेंट होता है लैंग्वेज के। तो जो अरेज हैं इन केस ऑफ सी लैंग्वेज दैट इज़ अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि सिस्टम सी लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सी लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ अरेज। उसी तरीके से हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट इज़ ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर। अब लिंक लिस्ट होता क्या है, देखो विजुअली हम लिंक लिस्ट को इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। अगर इसमें आप हर एक केस को देखेंगे तो इसमें हर एक जो ये एक स्ट्रक्चर है ये, इसको हम बोलते हैं हम नोड। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो अगर आप एक पूरा इस तरह की स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, इसको बोलते हैं हम एक नोड। ठीक है, अब इस नोड के दो पार्ट्स होंगे, एक होगा हमारे पास डेटा पार्ट, जैसे कि यहाँ पर है, एक हमारे पास है डेटा पार्ट और दूसरा है हमारे पास लिंक पार्ट। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक होगा डेटा पार्ट, दूसरा होगा हमारे पास लिंक पार्ट, अगेन डेटा पार्ट और दूसरा होगा हमारे पास लिंक पार्ट। अब लिंक लिस्ट में होता यह है कि आपके पास एक नोड होंगी, नोड के अंदर जो डेटा पार्ट है वो उस डेटा को स्टोर करेगी जो आप स्टोर करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 स्टोर किया है, यानी कि हमने कुछ इंटीजर नंबर्स को स्टोर किया हुआ है। इसके अलावा आप किसी भी तरह की लिंक लिस्ट बना सकते हो जो किसी भी अलग तरीके का डेटा स्टोर कर सकती हैं, जैसे कि आप कुछ करेक्टर्स से रिलेटेड लिंक लिस्ट बना सकते हो, यानी कि ऐसी लिंक लिस्ट जो कि कुछ करेक्टर्स को स्टोर करे,
या फिर ऐसी लिंक लिस्ट जो कि कुछ स्ट्रिंग्स को स्टोर करे, या फिर एक ऐसी लिंक लिस्ट जो कि कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, फ्लोट, इन सब के कॉम्बिनेशन को स्टोर करे। तो ये जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके हाथ में है कि आप डिफाइन करेंगे कि किस तरह का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा लिंक पार्ट बेसिकली होता यह है कि इस नोड को हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। यानी कि देखो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम आप इसको मेमोरी, कुछ मेमोरी एलोकेट करेंगे, और जो मेमोरी आपने एलोकेट करी है हम उस मेमोरी का एड्रेस लेंगे, ठीक है। अब उस एड्रेस को हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। लिंक का मतलब है कि कुछ एड्रेस, जो एड्रेस हमें मिलेगा उसको हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो लिंक लिस्ट के अंदर हम एक्सटेंसिव यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं पॉइंटर्स, यानी कि पॉइंटर्स आप कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंटर्स को आप कैसे स्टोर करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही एग्जॉस्टिवली कह सकते हैं, बहुत ही एक्सटेंसिवली हम लिंक लिस्ट के केस में यहाँ पर यूज़ करेंगे। बिकॉज ये जो लोकेशन है यहाँ पर हम किसी दूसरी नोड का पॉइंटर स्टोर करेंगे, यानी कि किसी दूसरी नोड को ये पॉइंट करेगा, और ये जो डेटा है लोकेशन जहाँ पर हम डेटा स्टोर करेंगे, और हर एक नोड का अपना एक एड्रेस होगा। जैसे कि इस वाली नोड को जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसका एड्रेस 2000 है, तो हम यहाँ पर 2000 एड्रेस स्टोर करेंगे। उसी तरीके से अगर इस नोड का एड्रेस 3000 है तो यहाँ पर हम लोग 3000 स्टोर करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं, सक्सेसिव एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बाई पॉइंटर्स। जैसे कि जो सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, दीज आर कनेक्टेड बाई पॉइंटर्स। तो ये जो दिखा रहा है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंटर, ठीक है। दूसरा, लास्ट एलिमेंट्स पॉइंट टू द नल। जो हमारे पास सबसे लास्ट एलिमेंट है ये जो है हमारे पास, ये किसी भी नोड की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, यानी कि नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। दूसरा, कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो लिंक लिस्ट जो है, देखो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है लिंक लिस्ट का वो यही है कि हम उसके साइज़ को ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जैसे कि अगर आप कोई अरे डिफाइन करते हैं, मैंने एक अरे बनाया इंटीजर ए विथ 10 लोकेशन। अब इसके केस में ये है कि जब मैंने एक अरे बनाया जिसके अंदर 10 लोकेशंस हैं, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इसको एग्जैक्टली हमें पता है कि इस अरे को हमने 10 इंटीजर लोकेशंस दी है, और सभी हमारे पास कॉन्टीन्यूस मेमोरी एलोकेशंस होंगी। आई होप ये आपको पता होगा। तो इस अरे को हमने कॉन्टीन्यूस मेमोरी एलोकेशंस दी हैं 10। अब इस अरे के अंदर अगर आपने एज्यूम 11 डेटा एलिमेंट स्टोर करने हैं या फिर 20 डेटा एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो ये उसको नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ लोकेशन जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। दूसरा, अगर इस अरे के अंदर हमने 10 लोकेशंस हमने अलोकेट की है, लेकिन हम सिर्फ एक ही एलिमेंट स्टोर करते हैं इंस्टेड ऑफ 10, तो आपके पास जो 9 लोकेशंस है वो कम्प्लीटली आपके पास वेस्ट हो जाएंगी। तो अरेज़ का जो कॉन्सेप्ट है, अरेज़ के अंदर खुद के कुछ एडवांटेजेस हैं, खुद के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसको मैं डिस्कस भी करूँगा आगे आने वाले इसी वीडियो के जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं, वहाँ पर मैं अरेज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन अरेज़ का एक एडवांटेज ये है कि अरेज़ के अंदर जो डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे दैट विल बी वेरी क्विक। आप एग्जैक्टली उस लोकेशन की इंडेक्स लोकेशन दो जहाँ से आपको डेटा को एक्सेस करना है। दूसरा, और इंडेक्स लोकेशन के अलावा आपको एग्जैक्टली पता है कि कोई डेटा एलिमेंट कहाँ पर स्टोर्ड है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं बहुत ही इजी रहेंगे, क्योंकि हर एक डेटा एलिमेंट जो है कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो सर्चिंग इन अरेज, सॉर्टिंग इन अरेज, और काफ़ी सारे जो ऑपरेशंस हैं जो अरेज के केस में काफ़ी इजी रहते हैं। लेकिन अरेज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपने जितना साइज अरे को अलोकेट किया, जैसे कि आपने अरे को साइज अलोकेट किया 1000 इंडेक्स लोकेशन, जैसे कि यहाँ पर इंट ए 1000, यानी कि एक अरे के अंदर 1000 एलिमेंट स्टोर होने वाले हैं। लेकिन जो भी 1000 एलिमेंट्स आपके पास स्टोर होने वाले हैं, अगर आपको एज्यूम करो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आपको उससे ज़्यादा स्पेस चाहिए, आपको इंस्टेड ऑफ 1000 यू वांट टू स्टोर 1050 एलिमेंट्स, या फिर आपको 1001 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तब भी आप 1001 एलिमेंट को उस अरे के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अरे का जो साइज़ है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है व्हेन यू हैव रिटर्न द प्रोग्राम। तो ना तो अरे का साइज़ बढ़ सकता है, ना ही अरे का साइज़ कम हो सकता है। एज्यूम आपने अरे बनाया 1000 एलिमेंट्स का, लेकिन आपने सिर्फ 3 और 4 एलिमेंट्स स्टोर करे, तो बाकी जितनी भी स्पेस है वो सारी आपके पास कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगी। तो बेनिफिट्स हैं अरे का बेनिफिट्स ये भी है कि भाई आप ऑपरेशंस बहुत अच्छे, बहुत फास्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप किसके अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस वेस्ट करते हो, एंड अगेन मेमोरी स्पेस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो उस केस में हमारे पास लिंक लिस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो जितना डेटा आपको लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर करना है वो इंक्रीज होगा, या फिर वो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आपको लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर करने हैं वो डिक्रीज होंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन बी मेड एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड
जब तक सिस्टम के अंदर मेमोरी अवेलेबल है तब तक हम लिंक लिस्ट को हम उतना ही लेंथी बना सकते हैं और इट कैन बी शॉर्टनड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. अगर हमें एक एलिमेंट स्टोर करना है तब भी लिंक लिस्ट इज फाइन. अगर हमें 10,000 एलिमेंट स्टोर करना है तब भी लिंक लिस्ट इज फाइन. अगर हमें 10,000 की जगह 11,000 एलिमेंट स्टोर करना है तब भी लिंक लिस्ट इज फाइन, बिकॉज इसका जो साइज है वो डायनेमिकली आप ग्रो कर सकते हो, डायनेमिकली आप छोटा कर सकते हो. लेकिन एक अरे का जो साइज़ है, ना तो आप उसको डायनेमिकली ग्रो कर सकते हो ना फिर आप उसको डायनेमिकली छोटा कर सकते हो, अनलेस यू यूज़ द डायनेमिक अरेज. तो कुछ लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो हमें डायनेमिक अरेज का यूज़ करने की हमें परमिशन देती हैं. वो आपके साथ में बाद में डिस्कस करने वाला हूँ. नेक्स्ट, इट डज़ नॉट वेस्ट मेमोरी स्पेस बट टेक सम एक्स्ट्रा स्पेस फॉर मेमोरी पॉइंटर. जैसे कि जो लिंक लिस्ट है वो हम वो स्पेस वेस्ट नहीं करते, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर हम लेते हैं वो इस पॉइंटर के लेते हैं. यानी कि हमें जो नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर करना है तो नेक्स्ट नोड को एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम ये पॉइंटर्स के लिए जो स्पेस लेते हैं यही एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो हम लिंक लिस्ट में यूज़ करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो लिंक लिस्ट है वो मेमोरी स्पेस को वेस्ट नहीं करता, ठीक है, और ये एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है. लेकिन सिर्फ उस केस में मेमोरी स्पेस वेस्ट होती है जहाँ पर हम इस लिंक को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है. अब जो लिंक लिस्ट है हम उसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब क्या है कि हम कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसके हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि इसका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाता है, जैसे कि इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन लिंक लिस्ट, या फिर डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट इन लिंक लिस्ट, या फिर आपके पास एलिमेंट पूरी लिंक लिस्ट को डिलीट करना है, या फिर पूरी लिंक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर नोड को फाइंड आउट करना है. आपको लास्ट नोड को फाइंड आउट करना है, आपको मिडिल नोड को फाइंड आउट करना है, या फिर कुछ डेटा को आपको सर्च करना है. तो ये जो सभी ऑपरेशंस हैं ये हम लिंक लिस्ट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. अब इन वीडियोस के अंदर हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस करेंगे जो कि हम लिंक लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं. और जो एक्चुअली मेरा एक आइडिया ये भी रहेगा कि मैं आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स करा दूँ, इतनी चीज़ें आपको वहाँ पर कवर कर लूँ कि आपको एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आया ना आपको कभी ऐसा ना फील हो कि ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं है. तो हर चीज़ मैं उसको ऐसे कवर करूँगा कि एग्जामिनेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा पता होगा कि कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है और ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ताकि एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन हैं आप उसको बहुत चुटकियों में यानी कि बहुत ईजिली सॉल्व कर सके, ठीक है. तो एक इंट्रोडक्शन आपको पता है व्हाट इज़ अ लिंक्ड लिस्ट और यू नो व्हाट इज़ एन अरेज. अरेज का आपको बेनिफिट पता है, बट स्टिल फॉर्मली मैं ऐसा करता हूँ बिकॉज हम फॉर्मल एक बेसिक इंट्रोडक्शन से चल रहे हैं. तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अभी इस व्हाइट बोर्ड को मैं रब करके इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अरेज क्या होते हैं, अगेन अरेज का डिसएडवांटेज क्या है, उस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमने डायनेमिक अरेज बनाए, वो डायनेमिक अरेज क्या होते हैं, और लिंक लिस्ट का और इन सभी का एक दूसरे को भी बेनिफिट क्या है, ताकि आपको एक प्रॉपर क्लियरेंस मिल जाए कि लिंक लिस्ट अरेज से क्यों बेटर है, किस लोकेशंस पे हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं, किस लोकेशंस पे हम अरेज यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमें सिर्फ लिंक लिस्ट से ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या फिर कौन सी जगह जहाँ पर सिर्फ हमें अरे यूज़ करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. हम उन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो मैं इसको एक बार रब करता हूँ फिर दोबारा से वापस आता हूँ और दोबारा से मैं इसको फर्दर डिस्कस करता हूँ. Now for the completion, let us discuss about the advantages and disadvantages of arrays. And then again, I'm going to also discuss some of the arrays which are modified form of the arrays. So let us look at this one first. देखो अरेज होते क्या हैं, अरेज आर द कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन ऑफ डेटा एलिमेंट्स. जैसे कि अगर जैसे कि हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर टोटल 9 लोकेशंस है, मुझे इस अरे को डिक्लेयर करना है या डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर करूँगा इंटीजर ए of 9 locations, it will be storing the data 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 0 and 4. I hope ये आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से हम अरे को डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से हम अरे के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है. अब बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, यानी कि पहली लोकेशन अगर आपकी 1000 पर है, ये जो मेमोरी एड्रेस है एज्यूम कर रहा हूँ, ये मेमोरी एड्रेसेज जो है वो ऑलरेडी गिवन नहीं है, दीज आर जस्ट assumptions. सो एक अरे के अंदर अगर पहली इंडेक्स लोकेशन जो है वो मेमोरी लोकेशन 1000 पर है तो जो अगली इंडेक्स लोकेशन होगी वो कॉन्टिग्यूसली होगी, कॉन्टिग्यूसली. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीजर का साइज एज्यूम करता हूँ इंटीजर इज ऑफ 2 bytes, तो पहली लोकेशन अगर 1000 पर है तो नेक्स्ट लोकेशन होगी 1002 पर, बिकॉज आफ्टर द गैप ऑफ 2 bytes. इसका साइज भी 2 bytes का है तो अगली लोकेशन होगी 1004, इसके बाद अगली लोकेशन होगी 1006 एंड सो ऑन. यानी कि हर एक जो डेटा स्टोर होगा एक अरे के अंदर वो कॉन्टीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एवरी डेटा एलिमेंट हियर, ठीक है.
यू कैन से वन मेमोरी ब्लॉक इज अलोकेटेड फॉर द एंटायर अरे टू होल्ड द एलिमेंट इन द अरे, यानी कि एक ही पूरा मेमोरी ब्लॉक होगा, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस अ कम्प्लीट मेमोरी ब्लॉक, जो वन मेमोरी लोकेशन 1000 से लेकर 1016 तक है, जो टोटल कितना डेटा कैरी कर रही है, टोटली 18 बाइट्स का डेटा कैरी कर रही है। अगर इंटीजर का साइज़ हमारे पास 2 बाइट है तो पूरे अरे का जो साइज़ होगा वो हमारे पास 2 × 9, बिकॉज 9 एलिमेंट्स हैं, यानी कि टोटल 18 बाइट्स की मेमोरी हमने अलोकेट करी। तो पूरा जो अरे है वो एक पूरा मेमोरी ब्लॉक होता है, जितना हमने साइज डिक्लेयर किया उसके अकॉर्डिंग मेमोरी जो है वो अलोकेट होगी। दूसरा, जो अरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड इन कॉन्स्टेंट टाइम बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट एज द सबस्क्रिप्ट। जैसे कि अगर मुझे किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, एज्यूमिंग हमें इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम सिंपल यार लिखेंगे कि लेट अस से एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ 6, यानी कि 6 इंडेक्स लोकेशन पर जो डाटा है उसको आप एक्स के अंदर स्टोर कर दीजिए। ठीक है, तो जो अरे के अंदर आप जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो एक कॉन्स्टेंट टाइम में परफॉर्म किए जा सकते हैं। कि जैसे 6th एलिमेंट पर ही डेटा है, तो हमें 6th एलिमेंट को परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टली हम इंडेक्स लोकेशन मेंशन कर कीजिए और उससे आपके पास वो लोकेशन मिल जाएगी। अब ये जो लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और एडिशन ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी चीज़ें बता चुका हूँ सी प्रोग्रामिंग के केस में, अगर मैंने लिखा है ए ऑफ 6, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टार ऑफ ए प्लस 6। ए प्लस 6 ए का मतलब ए का जो एड्रेस है, जैसे अगर यहाँ पर बेस एड्रेस है 1000, तो ए का मतलब है यहाँ पर 1000 प्लस 6। अब जो 6 है, 6 जो है हमेशा स्केलर वैल्यू से इंक्रीमेंट होता है, जैसे जो नेक्स्ट वैल्यू है ये हमेशा स्केलर से इंक्रीमेंट होती है। स्केलर का मतलब क्या है कि जितना डेटा वेरिएबल का साइज़ है, जैसे अब डेटा वेरिएबल का जो साइज़ है वो 2 बाइट्स है, तो इसका मतलब होगा 1000 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्टार, तो 1000 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 1012। तो 1012 पर जो डेटा स्टोर्ड है हमें उसको एक्सेस करना है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन आप देते हैं, तो किसी लोकेशन को इवैल्यूएट करने के लिए अरे के अंदर हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है हमारे पास एडिशन ऑपरेशन, और फिर जो भी हमारे पास लोकेशन मिलेगी हम उसका डेटा एक्सेस करेंगे। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑपरेशन है ये कॉन्स्टेंट टाइम लेता है, इसी वजह से अरे के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए इट विल टेक सम कॉन्स्टेंट टाइम ओनली। सेकेंडली, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अरे? पहला है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़। सिंपल आप अरे को डिक्लेयर कीजिए, उसके अंदर आप डेटा एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। दूसरा, उसके अंदर कुछ सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से डेटा को उठाना है, या किसी लोकेशन पर डेटा को स्टोर करना है, या फिर कुछ सिंपल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, तो अरे जो है दे आर वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी ईजी डेटा स्ट्रक्चर टू यूज़। सेकेंडली, इट इज़ वेरी फास्ट टू एक्सेस द एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें इंडेक्स लोकेशन 6 पर डेटा को एक्सेस करना था, तो उसके लिए हमें एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन की रिक्वायरमेंट होगी। मल्टीप्लिकेशन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, प्लस इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऐड करने का, है ना, तो हमें एक मल्टीप्लिकेशन एडिशन की रिक्वायरमेंट होगी, और ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो कॉन्स्टेंट टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। सो बिकॉज एक कॉन्स्टेंट टाइम लेगा, देयरफॉर आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यू आर जस्ट गोइंग टू यूज सम कॉन्स्टेंट मेमोरी टाइम। ओके, सेकेंडली, वट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अरे? सो पहला डिसएडवांटेज है, प्री अलोकेट ऑल मेमोरी अप फ्रंट एंड वेस्ट मेमोरी स्पेस फॉर इंडिसेस इन अरे दैट आर एम्प्टी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव इंटीजर ए विद 1000 या फिर 10000 इंडेक्स लोकेशन, हमने एक अरे को बनाया जिसके अंदर हमारे पास 10000 इंडेक्स लोकेशन है, और एक इंटीजर का साइज हमारे पास 2 बाइट्स है, तो जैसे ही हमने इस अरे को डिक्लेयर किया इस तरीके से, यानी कि इस अरे के लिए 20000 मेमोरी लोकेशन 20000 बाइट्स जो है वो अलोकेट हो चुके हैं, इसके रिजर्व हो चुके हैं, उन 20000 बाइट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते किसी और अदर पर्पज़ के लिए। तो जैसे ही आप अरे को डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए जो मेमोरी अलोकेशन है वो ऑलरेडी अब हो चुकी है। अब मेमोरी अलोकेट होने के बाद एज्यूम करो कि आपने 10000 इंडेक्स लोकेशन को यूज़ करने की जगह पर आपने सिर्फ 3 or 4 इंडेक्स लोकेशन को यूज़ किया, यानी कि आपने सिर्फ 3 or 4 ही लोकेशंस आप यूज़ कर रहे हो इंस्टेड ऑफ दीज मेनी लोकेशंस। तो इस केस में क्या होगा कि वी आर गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ स्पेस। आपने 3 or 4 लोकेशंस को यूज़ किया, बाकी जो स्पेस आपके पास बची है, जितनी भी इंडेक्स लोकेशंस आपके बची है, वो सभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस को वेस्ट करेगी। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर, कि अगर आप एफिशिएंटली स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे काफ़ी केसेस में, तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा, बिकॉज इट इज़ फिक्स साइज। फिक्स साइज मतलब क्या है कि आपने अरे के अंदर 10000 मेमोरी लोकेशंस को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम
एज्यूम करो आपको 15,000 लोकेशन की ज़रूरत पड़ी या फिर आपको 12,000 लोकेशन की ज़रूरत पड़ी, तो जितनी आपको लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो लोकेशन आप अलोकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अरे का जो साइज़ है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। आप अरे के अंदर अगर 10,000 लोकेशन आपने डिक्लेयर की, यानी कि वो 10,000 लोकेशन ही आपको मिलेगी। आप 10,000 की जगह पर उसको 10,001 भी नहीं कर सकते, यानी कि एक इंडेक्स लोकेशन आप एक्स्ट्रा भी नहीं कर सकते। तो अरे का जो साइज़ है वो फिक्स्ड है। आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम अरे के साइज़ को आप ना तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना फिर अरे के साइज़ को आप डिक्रीमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो है इसका डिसएडवांटेज वो है वन मेमोरी ब्लॉक अलोकेशन, यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 10,000 एक अरे बनाना है जिसके अंदर 10,000 लोकेशंस हो। 10,000 लोकेशंस का मतलब है कि हमें 20,000 वो इंटीजर है, राइट, इंटीजर है, इंटीजर साइज 2 बाइट है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 20,000 मेमोरी लोकेशंस चाहिए, यानी कि 20,000 बाइट्स अलोकेट करने हैं। देखो 10,000, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, शायद कई काफ़ी जगह पर ऐसा हो सकता है कि मैं वर्ड्स को मिसप्लेस कर दूँ, कन्फ्यूजन में ऐसा कई बार हो जाता है, बट समझिए मैंने एक अरे को डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमारे पास 10,000 लोकेशंस हैं। 10,000 लोकेशंस का मतलब है यहाँ पर हम उसको 20,000 बाइट्स अलोकेट कर रहे हैं। अब अगर हम एक अरे को 20,000 बाइट्स अलोकेट कर रहे हैं तो वो सभी के सभी बाइट्स ड्यूरिंग बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब बिफोर जब मेमोरी अलोकेट होगी उस समय पर वो 20,000 बाइट्स जो है वो मेमोरी के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। अगर 20,000 बाइट्स अलोकेटेड अवेलेबल नहीं है तो अरे को मेमोरी अलोकेट नहीं होगी। तो इसी केस में बोलते हैं कि टू अलोकेट द अरे itself at the beginning, sometimes it may not be possible to get the memory for the complete array. जैसे कि अगर हमारे पास एक अरे को हमें 20,000 bytes की मेमोरी चाहिए लेकिन 20,000 bytes की जगह पर हमारे पास 19,998 bytes available है, सिर्फ 2 byte memory नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम अरे को अलोकेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज उतनी मेमोरी आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो बिकॉज हमें अब जो अरे की जितनी मेमोरी चाहिए पहले ही स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और दूसरा अगर उतनी मेमोरीज अवेलेबल नहीं है तो अरे को मेमोरी अलोकेट नहीं होगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है अरे का। अरे का नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि कॉम्प्लेक्स पोजिशन बेस्ड ऑपरेशन, जैसे कि एज्यूम करो कि आपके पास एक अरे है जिसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, एक अरे है जहाँ पर आपके पास इस तरीके से टोटल n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर एक अरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं, आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन में कुछ डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा से आपको इंडेक्स लोकेशन 6 पर कुछ डेटा को इंसर्ट करना है। अगर आपको इंडेक्स लोकेशन 6 पर कुछ डेटा को इंसर्ट करना है तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए आपको जो ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं उनको या तो आपको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, कहने का मतलब समझिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए अगर आप सभी डेटा को सेव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमें 1 भी सेव रखना है और लेकिन हमें एक नया डेटा भी इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं उनको हम एक पोजीशन आगे शिफ्ट करते चलेंगे, और जब एक पोजीशन आप आगे शिफ्ट करते चलेंगे तो उस केस में आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे इस तरह की शिफ्ट करने वाली जो कंप्यूटेशन है कि शिफ्ट डेटा को शिफ्ट करते चलो, तो उससे आपको काफ़ी इनपुट आउटपुट टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस हो सकते हैं जहाँ पर आपका जो अरे का जो अरे के ऊपर अगर वो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली साबित होंगे। जैसे कि एक अरे है आपके पास, उस अरे के अंदर टोटल n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपको पहली इंडेक्स लोकेशन यानी कि इंडेक्स लोकेशन 0 पर एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करते चलो। अब सभी एलिमेंट्स को अगर एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए इंसर्शन टाइम जो है, इंसर्शन इज कॉन्स्टेंट टाइम, लेकिन शिफ्टिंग के लिए जो टाइम आप वेस्ट करेंगे वो होगा ऑर्डर ऑफ एन। तो अब बहुत सारा टाइम, काफ़ी ऐसे ऑपरेशन है जहाँ पर आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे, तो इसी वजह से भी हम कह सकते हैं अरे इज़ नॉट गुड डेटा स्ट्रक्चर टू यूज़ एट दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो समटाइम्स शिफ्टिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जैसे कि अगर एलिमेंट को हमने बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो उस केस में जो शिफ्टिंग ऑपरेशन जो है अरे के केस में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये भी है, देखो इस केस में क्या था, मैंने एक जो डिसएडवांटेज मैंने बताए इसमें से एक डिसएडवांटेज है, हमारे पास जो साइज़ है वो फिक्स्ड है हमारे पास, और यू हैव टू प्री एलोकेट मेमोरीज अप फ्रंट। तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक और तरह के अरेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक अरेज, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आपको एक डायनेमिक अरे के बारे में बताता हूँ व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट, एंड देन हम अरेज, डायनेमिक अरेज और लिंक लिस्ट, हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन जो कि आप इन तीनों में परफॉर्म कर सकते हैं और कितना टाइम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ फिर दोबारा वापस आता हूँ।
तो पिछले वीडियो के अंदर हमने चेक किया अरेज होते क्या है, अरेज आपको ऑलरेडी पता है कि होते क्या है, लेकिन हमने पिछले वीडियो में उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने एक थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इस वीडियो के अंदर हम डायनेमिक अरे के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अरे का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसका जो साइज है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, यानी कि अगर आपने एक अरे बनाया जिसके अंदर 5000 एलिमेंट्स हैं तो आप उसके अंदर 5001 एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, उसके अंदर आप सिर्फ 5000 एलिमेंट ही डाल सकते हैं। यानी कि अरे का जो साइज है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, आप अरे के साइज़ को ना इंक्रीज़ कर सकते हैं ना ही अरे के साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन डायनेमिक अरे का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट बनाया है डायनेमिक अरे का। डायनेमिक अरे के अंदर हम एक लोड फैक्टर को लेते हैं कि अरे आपका ऑलरेडी कितना फिल हो चुका है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर 3 इंडेक्स लोकेशन हैं, 1, 2 एंड 3, ये इस अरे के अंदर हमारे पास डेटा वैल्यूज़ है। अब जब भी हम कोई अरे एलोकेट करेंगे इस तरीके से तो उसमें ये चेक करेंगे कि जो अरे है उसके अंदर कितना डेटा फिल्ड है, यानी कि उसका लोड फैक्टर क्या है। क्या उसके अंदर 70% डेटा फिल हो चुका है, क्या उसके अंदर 80% डेटा फिल हो चुका है, या फिर अरे कम्प्लीटली फिल हो चुका है। तो हम उस एक स्पेसिफिक लोड फैक्टर लेंगे और उस स्पेसिफिक लोड फैक्टर का अगर रीच हो जाए आज अरे का जो अंदर जितना डेटा है अरे के अंदर, अगर वो उस स्पेसिफिक लोड फैक्टर के इक्वल रीच हो जाए या उससे ज़्यादा रीच हो जाए तो हम अरे के साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर अरे जो है वो हमारा कम्प्लीटली फुल है। अब अगर हमें एक और एलिमेंट को फिल करना है तो हम करेंगे, हम इस अरे का जो साइज़ है उसको डबल कर देंगे। बेसिकली हम करेंगे क्या, हम एक और मेमोरी एलोकेट करेंगे, यहाँ पर एक और मेमोरी एलोकेट करेंगे जिसके अंदर टोटल 6 इंडेक्स लोकेशंस होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं हम उसको नए वाले अरे के अंदर कॉपी कर देंगे। दीज एलिमेंट्स विल बी कॉपीड, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आएगा और फिर अब हम इसके अंदर और एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि इन एवरी केस जहाँ जहाँ पर ऐसा केस होने वाला है, जहाँ पर हमें जो अरे का साइज़ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उन सभी केसेस में हम डायनेमिक अरे का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर जो न्यू अरे होगा उसका जो साइज़ है वो प्रीवियस साइज़ से डबल होगा। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो है इट इज़ वन सिंपल वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द डायनेमिक अरे। इसको इनिशियली स्टार्ट विद सम फिक्स्ड साइज अरे, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 साइज़ के अरे के साथ हमने स्टार्ट किया। अब एज सून एज द अरे बिकम्स फुल, अभी जो फुल हम कैसे चेक करेंगे, ये हम उसके लोड फैक्टर से चेक करेंगे कि अरे जो है वो 70% फुल हो चुका है, अरे 80% फुल हो चुका है, या फिर अरे 100% फुल हो चुका है। तो उसके लिए हम एक लोड फैक्टर इवेल्युएट करते हैं, लोड फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं एंड क्रिएट द न्यू अरे डबल द साइज ऑफ द ओरिजिनल अरे। जैसे ही वो लोड फैक्टर फिल हुआ, यानी कि जो अरे है जो कम्प्लीटली हमारा फिल हो चुका है, उसके बाद हम एक न्यू लोकेशन बनाएंगे, एक न्यू मेमोरी एलोकेट करेंगे, लेकिन जो भी नई मेमोरी एलोकेट करेंगे उसका साइज़ प्रीवियस साइज से डबल होगा। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास साइज 3 लोकेशन था तो इसका साइज़ हो जाएगा हमारे पास 6 लोकेशन। अब 6 लोकेशन के अंदर जो भी हमारे पास प्रीवियस डेटा था उस सभी डेटा को हम अगली लोकेशन में कॉपी करेंगे, ठीक है। एंड Similarly, reduce the array size to half if the element in the array are less than half. जैसे कि इस पूरे array के अंदर हमारे पास 6 index locations हैं, लेकिन अगर इस array के अंदर हमारे पास जो elements हैं वो 2 हो जाए तो क्या करेंगे, इस array का जो size है उसको हम half कर देंगे। half कैसे करेंगे, एक नया array allocate करें, एक नई memory allocate करेंगे जिसके अंदर हमारे पास 3 size होगा और जो इसकी जो values हैं उसको यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो बेसिकली डायनेमिक अरे के केस में हम जो स्पेस है उसको ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यानी कि जब भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट है जो अरे के साइज़ से ज़्यादा है, आप एक नई लोकेशन मेमोरी एलोकेट करो, वहाँ पर वो जो नई मेमोरी एलोकेट करोगे प्रीवियस मेमोरी का डबल होगी, फिर डेटा को वहाँ पर कॉपी करो। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि जब आप नई लोकेशन को एलोकेट कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर इसके अंदर लेट अस सपोज n डेटा आइटम्स है और न्यू लोकेशंस में 2n डेटा आइटम्स होने चाहिए, देखिए यहाँ पर अगर 3 लोकेशंस है तो यहाँ पर 6 लोकेशंस है, लेकिन लोकेशन इस न्यू मेमोरी को एलोकेट करने के बाद आपको सभी डेटा एलिमेंट्स वहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा। तो डेटा को कॉपी करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लग सकता है। तो जो डायनेमिक अरे हैं वो उसके अंदर स्पेस के केसेस में काफ़ी केस में स्पेस के केसेस में एडवांटेज हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि आप डेटा को कॉपी करेंगे और उसमें काफ़ी टाइम और आपका काफ़ी स्पेस काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास डायनेमिक अरे का। लेकिन इसके साथ जो दूसरा जो हमारे पास जो लिंक्ड लिस्ट आते हैं, लिंक्ड लिस्ट के केस में भी हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। लिंक्ड लिस्ट का एडवांटेज क्या है कि दे कैन बी एक्सपायर्ड इन कॉन्स्टेंट टाइम, ठीक है, और वी कैन स्टार्ट विद द स्पेस फॉर जस्ट
one allocated element and add on new elements easily without needing to do any copying on reallocate. Yani ki hum ek single ek element se start karenge aur single ek element se start karne ke baad hum zarurat ke hisab se new nodes allocate kar sakte hain aur zarurat ke hisab se unko memory allocate kar sakti hai ki ja sakti hai. To jo linked list ka jo sabse bada benefit ye hai ki unko hum constant time ke andar expand kar sakte hain aur jo memory utilization hai wo bhi kafi efficient hai comparatively, because hume jitni data store karna hai hum exactly utni hi memory use karenge. ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सेस टाइम टू अ सर्टेन एलिमेंट. जैसे कि अगर मैं एक अरे है, अरे के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, nth एलिमेंट को, तो अरे के केस में हम डायरेक्टली उसकी इंडेक्स लोकेशन देंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे. या फिर हमें किसी एलिमेंट एक्स को एक्सेस करना है जिसकी कोई इंडेक्स लोकेशन है, तो हम बेसिकली डायरेक्टली उसकी इंडेक्स लोकेशन देंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे. लेकिन लिंक लिस्ट में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लिंक लिस्ट के अंदर अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिक्वेंशियल एक्सेस है. यानी कि किसी नंबर एक स्पेसिफिक एलिमेंट तक पहुँचने के लिए आपको पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ता है, और पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए आप डेटा को काफ़ी जो टाइम है उसको आप वेस्ट करने वाले हैं. तो जिसको हम आगे फर्दर चेक भी करेंगे प्रोग्राम से केस में कि इसका ट्रैवर्सिंग का जो प्रोग्राम है, लिंक लिस्ट के जो ऑपरेशंस हैं उसको प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या ऑपरेशंस है, एग्जैक्टली कैसे हम करेंगे उन सभी ऑपरेशंस को, उसको हम आगे भी करने वाले हैं. लेकिन इतना समझिए इस समय पर थ्योरेटिकल वे में कि डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास एक रैंडम एक्सेस एलिमेंट्स की आपको नहीं मिलती. एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको सिक्वेंशियली जाना पड़ेगा हर एक इंडेक्स लोकेशन से. ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि डज नॉट टेक बेनिफिट ऑफ मॉडर्न सीपीयू कैशिंग मेथड. मतलब क्या, देखो जब अरेज हम अलोकेट करते हैं तो अरेज को एक सिक्वेंशियल मेमोरी अलोकेट होती है. सिक्वेंशियल यानी कि कॉन्टीन्यूस. पहला लोकेशन अगर 1000 तो अगली होगी 1002, 1004 एंड सो ऑन. अब कैशिंग के अंदर जब हम पेजिंग यूज़ करते हैं, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसका मतलब यह है कि वहाँ पर स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का यूज़ करते हैं. वो है वो जो कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस यानी कि हम अगर किसी डेटा एलिमेंट को इस समय पर एक्सेस कर रहे हैं, अगर किसी डेटा एलिमेंट को इस समय पर एक्सेस कर रहे हैं, किसी इंस्ट्रक्शन को इस समय पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे या फिर जो डेटा एलिमेंट हम एक्सेस करेंगे वो इसकी क्लोज अप्रॉक्सीमेटी में होगा, यानी कि इसके नियर बाय होगा, इसके आसपास में ही कहीं पर होगा. अब होता यह है कि जो अरेज है, अरेज को जो मेमोरी एलोकेट हुई है कॉन्टीन्यूस मेमोरी एलोकेट हुई है, तो जब एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी लोकेशन पर जंप करना है हमें, तो वो जंप करना काफ़ी इजी रहता है, वो काफ़ी एफिशिएंट ऑपरेशन है. लेकिन जब हम इस तरह से लिंक लिस्ट को बनाते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर हर एक डेटा एलिमेंट मेमोरी के अंदर कहीं पर भी स्टोर हो सकता है. जैसे कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इमेजिनरी फॉर्म में शो कर रहा हूँ, तो हर एक जो डेटा एलिमेंट है वो लिंक लिस्ट पर, लिंक लिस्ट के केस में हर एक डेटा एलिमेंट को कहीं पर भी मेमोरी एलोकेट हो सकती है. अब जब भी डेटा एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, तो बिकॉज वो डेटा एलिमेंट अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर्ड है, तो उससे जो डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत ही रैंडम लोकेशंस को एक्सेस करना पड़ सकता है, और रैंडम लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए यू नीड मोर वर्क. आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा. तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इट डज़ नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ सीपीयू कैशिंग मेथड्स. ओके, नेक्स्ट, द ओवरहेड विद स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा कैन मेक अ बिग डिफरेंस. कि आप डेटा को जब स्टोर कर रहे हैं तो आप दो चीज़ें स्टोर कर रहे हैं डेटा के साथ, एक डेटा इटसेल्फ और दूसरा लिंक. तो अगर आपने 10 डेटा एलिमेंट स्टोर किया तो आपने 10 लिंक पॉइंटर्स भी स्टोर किए हैं और 10 डेटा एलिमेंट्स भी स्टोर किए हैं. तो अगर आपको एज्यूम करो 1000 मेमोरी लोकेशन, यानी कि 1000 डेटा एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो 1000 डेटा एलिमेंट्स के लिए आपको 1000 एक्स्ट्रा पॉइंटर्स भी स्टोर करने पड़ेंगे. तो इस वजह से वो एक ओवरहेड है. तो काफ़ी बार जो ओवरहेड है वो एक्स्ट्रा हो सकता है. नेक्स्ट, समटाइम्स दिस ऑपरेशंस जो हम लिंक लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं वो थोड़ा हार्ड हो सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए. जैसे कि इंसर्ट एन एलिमेंट इन द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, इंसर्ट एन एलिमेंट इन द लास्ट ऑफ द लिंक लिस्ट. तो उसके अंदर जो पॉइंटर्स के अंदर हमें जो चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, जो लिंक लिस्ट में जो चेंजेस परफॉर्म करेंगे, वो हमारे वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना थोड़ा सा हार्ड है, उसके जो प्रोग्राम सीखना थोड़ा सा हार्ड है. नेक्स्ट, लिंक लिस्ट मे वेस्ट मेमोरी इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा रेफरेंस पॉइंट्स. यानी कि लिंक लिस्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से हम लोग कुछ मेमोरी को वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. लेकिन आप अगर आपको कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिंक लिस्ट के समझ में नहीं आए, डोंट वरी, वो इस वजह से है क्योंकि अभी अब तक आपने लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है.
आप मेरे साथ गो थ्रू रहिए, मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, तो आपके ये जो थियोरटिकल पार्ट जो मैं कवर कर रहा हूँ, तो जो जब मैं प्रैक्टिकल पोर्शंस में आऊँगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस में आऊँगा, तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि वो जो एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है लिंक लिस्ट के, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, इसका एक और जो नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए, कि जो हम अलग अलग ऑपरेशंस लिंक लिस्ट पर परफॉर्म करने वाले हैं या फिर अलग अलग ऑपरेशन जो हम अरेज पर परफॉर्म करने वाले हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उनकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ठीक है। मैं एक बार इसको रब करता हूँ, फिर वापस आता हूँ विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस ऑपरेशंस। सो अभी इस समय पर हम लोग जस्ट लेट अस जस्ट लुक एट द कंपैरिजन ऑफ लिंक्ड लिस्ट विद द अरेज एंड डायनेमिक अरेज, और यहाँ पर जो हम कंपैरिजन देखेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, यानी जो जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर हम कुछ ऑपरेशंस को देखने वाले हैं, ठीक है। देखो जो सबसे पहला जो पैरामीटर है ऑपरेशन का, वो है हमारे पास इंडेक्सिंग, यानी कि अगर आपको कोई डेटा एलिमेंट एक्सेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, कि आपके पास फिफ्थ एलिमेंट एक्सेस करना है, टेंथ एलिमेंट एक्सेस करना है, या एक पर्टिकुलर लोकेशन आपको दे दी कि उस लोकेशन का एलिमेंट एक्सेस करना है, तो उस केस में लिंक लिस्ट में जो टाइम लगेगा वो लगेगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि आपको लिंक लिस्ट जो है उसको बिगिनिंग से लेकर एंड तक, यानी बिगिनिंग से लेकर उस पर्टिकुलर इंडेक्स लोकेशन तक आपको हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करते जाना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को काउंट करते जाना पड़ेगा कि अब हम कितने एलिमेंट को पास कर चुके हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक आप पहुँच सकें। तो लिंक लिस्ट में जो टाइम लगेगा वो लगेगा ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन अरेज में टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ वन, और डायनेमिक अरेज में टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ वन। दूसरा जो पैरामीटर है वो इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द बिगनिंग, अगर पूरे डेटा में आपको बिगनिंग में कुछ एलिमेंट ऐड करना है, तो उस केस में लिंक लिस्ट में जो टाइम लगेगा वो लगेगा ऑर्डर ऑफ वन, यानी कि कॉन्स्टेंट टाइम, कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर वही इंसर्शन हमें एक अरेज के अंदर परफॉर्म करने हैं, तो क्या होगा, अरेज के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको हमें एक एक लोकेशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि हम बिगनिंग में किसी डेटा को ऐड कर सके। अगर आप डेटा को ओवरराइट नहीं करना चाहते, तो आपको हर एक डेटा को आगे आगे एक एक लोकेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो ये किस केस में वैलिड है, ये उस केस में वैलिड है जब आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है, सॉर्टेड यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपका डेटा सॉर्टेड है, तब आपको शिफ्ट ऑब्वियसली शिफ्ट करना पड़ सकता है ना। या फिर काफ़ी केसेस में ऐसा है जहां पर हम इस ऑपरेशन की हमें इस शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोकेशंस पर, कुछ जगह पर हमें ऑपरेशन में शिफ्टिंग की ज़रूरत है। तो अगर हम सिर्फ ये मेंटेन कर रहे हैं कि एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह के हम ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, उस ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए अगर हम बिगनिंग में कोई एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो हमें अरे के एलिमेंट्स को एक एक लोकेशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करने में टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ एन। तो इसी वजह से अगर हमें अरे में इंसर्शन या डिलीशन करना है किसी एलिमेंट का इन द बिगनिंग, तो हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, जहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ वन टाइम इंसर्ट करने के लिए, लेकिन ऑर्डर ऑफ एन टाइम शिफ्ट करने के लिए। उसी तरीके से अगर आपके पास डायनेमिक अरे हैं, तो डायनेमिक अरे में भी हमें एलिमेंट को एक लोकेशन शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमें इंसर्शन एट द एंड करना है, यानी कि सबसे लास्ट पोजीशन में इंसर्ट करना है, तो लिंक लिस्ट में सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा उस लास्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए, ये टाइम लग रहा है उस लास्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए। लेकिन पहुंचने के बाद जो डेटा को इंसर्ट करने के लिए टाइम लगेगा वो लगेगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ वन। उसी तरीके से अरे इसके केस में अगर अरे आपका फुल नहीं है, तो आप डायरेक्टली लास्ट इंडेक्स लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्सिंग इज़ वेरी इजी, तो उसको एक्सेस करने में हमें डायरेक्टली टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ वन, और वहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास डायनेमिक अरेज है, डायनेमिक अरे में अगर हमारे पास लिंक लिस्ट अरे अगर हमारे पास फुल नहीं है, तो हम डायरेक्टली उस इंडेक्स लोकेशन को एक्सेस करेंगे और डेटा को इंसर्ट कर देंगे, जिसमें हमें ऑर्डर वन टाइम लगेगा। लेकिन अगर अरे आपका कम्प्लीटली फुल है, तो उस केस में आपको एक नया अरे बनाना पड़ेगा, इस अरे के सभी n डेटा एलिमेंट्स को नए अरे में कॉपी करो, और वहाँ पर फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करो। तो ये उस केस में जब अरे आपका फुल है, तो हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा नया अरे बनाकर डेटा को कॉपी करने में और वहाँ पर इंसर्ट करने में। लेकिन अगर अरे आपका फुल नहीं है, तो हमें लगेगा ऑर्डर ऑफ वन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीशन एट द एंड, यानी कि लास्ट से किसी डेटा को डिलीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो लिंक लिस्ट में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा हमें उस लास्ट पोजिशन पर पहुँचने के लिए, लेकिन पहुँचने के बाद डेटा को डिलीट करने के लिए ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा। लेकिन अरे से केस में लास्ट पोजीशन से डेटा को डिलीट करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम डायनेमिक अरे की बात करते हैं, तो डायनेमिक अरे में हम एक्चुअल में अरे को श्रिंक या फिर ग्रो करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब एज्यूम करो कि आपका जो अरे है वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, अब हमने लास्ट एलिमेंट को निकाल दिया, तो अरे का जो साइज़ है वो हाफ से कम हो गया। अगर अरे का साइज़ हाफ से कम हो गया, तो अब हमें एक छोटा अरे बनाना पड़ेगा,
तो उस सभी जो बड़े जो अरे है उसके सभी एलिमेंट को छोटे अरे में कॉपी करने पड़ेंगे और बड़े अरे को फिर हम डिलीट मारेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा डायनेमिक अरेज में, अगर हमें लास्ट लोकेशन पर डेटा को इंसर्ट करना है तो इन वर्स्ट केस हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा टू इंसर्ट सम एलिमेंट्स। अगर हमें इंसर्शन मिडल पॉइंट में इंसर्ट करना है तो मिडल पॉइंट में इंसर्ट करने के लिए इन लिंक लिस्ट हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरी लिंक लिस्ट को ये चेक करने के लिए कि हम मिडल पॉइंट पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। तो मिडल पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पर इंसर्ट करने के लिए ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा। तो जो ऑर्डर ऑफ एन टाइम है पहुंचने के लिए और ऑर्डर ऑफ वन टाइम हमें इंसर्ट करने के लिए, तो टोटल टाइम कितना लगा हमें ऑर्डर ऑफ एन। और अरे से केस में भी हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि हमें सभी एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन आके शिफ्ट करना पड़ेगा, तो शिफ्ट करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, इंसर्ट करने में ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा। नेक्स्ट, अगर हम डायनेमिक अरेज यूज़ करते हैं तब भी हमें एक एक पोजीशन एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा जहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। अब इस केस में हम ये चेक कर सकते हैं कि अरे हमारा ऑलरेडी फुल है या नहीं है। अगर अरे हमारा कम्प्लीटली फुल है तो हमें एक नया अरे बनाना पड़ेगा, नए अरे में आप पुराने डेटा एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे, फिर उसमें मिडिल पॉइंट में आप अपने नए डेटा को कॉपी करने के लिए सभी एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करेंगे, उस केस में भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। लेकिन अगर अरे आपका फुल नहीं है तब भी आप एलिमेंट को आगे शिफ्ट करेंगे तब भी आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। तो डायनेमिक अरे से केस में हमें इंसर्शन करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट, डिलीशन इन मिडल, यानी कि मिडिल पॉइंट में जो डेटा है उसको डिलीट करना है। उसको डिलीट करने के लिए लिंक लिस्ट में हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि पहले तो आप उस एलिमेंट तक पहुंचो, पहुंचने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा प्लस ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा उस एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट, अरेज के केस में, अरेज में हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा मिडिल पॉइंट से डिलीट करने के लिए, क्योंकि अगर आप उस एलिमेंट को डिलीट करने वाले हैं तो उसके पीछे वाले जितने एलिमेंट है उसको आपको एक पोजिशन आगे कॉपी करना पड़ेगा, तो कॉपी करने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन। नेक्स्ट, डायनेमिक अरेज के अंदर अगेन हमें डेटा को कॉपी करना पड़ेगा, तो कॉपी करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन। नेक्स्ट, वेस्टेड स्पेस, आप कितना स्पेस वेस्ट करने वाले हो। इन केस ऑफ लिंक लिस्ट अगर हमारे पास एन डेटा आइटम्स हैं तो हमें उसके लिए एन पॉइंटर्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ एन स्पेस एक्स्ट्रा वेस्ट करेंगे या फिर ऑर्डर ऑफ एक्स्ट्रा एन स्पेस हम यूज़ करेंगे पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए। इसी वजह से जो लिंक लिस्ट है दैट इज उसमें हम कुछ स्पेस को वेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अरेस जो वेस्टेड स्पेस है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ वन लगेगी अगर आप पूरे अरे को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका कम्प्लीटली अरे एम्प्टी है, आपने वो 10,000 एलिमेंट्स का अरे बनाया लेकिन उसमें एक या दो लोकेशंस ही आप यूज़ कर रहे हैं तो बाकी स्पेस को आप वेस्ट करेंगे। एक्चुअली ये जो वेस्टेड स्पेस है डिपेंड्स ऑन परसेप्शन कि आप अरे आपका फुल है या नहीं है, आप उसको एफिशिएंटली उसके अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं या नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ वन, अगर अरे आप एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, उसको फुल है, उसके अंदर सभी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अरे के अंदर आप यूज़ ही नहीं कर रहे लोकेशंस, तो जो मेमोरी आप एलोकेट कर चुके हैं वो सारी मेमोरी आपका वेस्ट भी जाएगी, ठीक है। लेकिन डायनेमिक अरेज में क्या है कि अगर आपके पास अरे फुल हो जाता है तो उस केस में आप एक न्यू अरे क्रिएट करेंगे जिसका साइज से डबल होगा। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपके पास टोटल एन एलिमेंट्स हैं, सॉरी टोटल एन इंडेक्स लोकेशंस हैं, तो डायनेमिक अरेज में हम मोस्टली एन बाई टू इंडेक्स लोकेशंस ही फिल करते हैं, क्योंकि एन बाई टू से बड़ा होने के बाद हम उसका साइज डबल कर देते हैं। तो इसी वजह से जो डायनेमिक अरेज हैं वहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा स्पेस वेस्ट करते हैं वो भी ऑर्डर ऑफ एन की टर्म्स में ही होती है। तो डायनेमिक अरे के कुछ एडवांटेजेस होंगे लेकिन ऑब्वियसली कई जगह पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसी तरीके जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के अंदर काफ़ी ऐसी लोकेशन है जहाँ पर इसके डिसएडवांटेज है, जैसे इंडेक्स एक ऐसी पोजिशन है जहाँ पर इसका डिसएडवांटेज है, या फिर डिलीशन एट द एंड जो है वो वहाँ पर भी हम इसका डिसएडवांटेज होगा। तो ऐसे काफ़ी लोकेशन हैं जहाँ पर लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। और सेकंडली, लिंक लिस्ट के आप इंप्लीमेंटेशन किस तरह से कर रहे हो, इज इट अ सिंगल लिंक लिस्ट, क्या आप उसको डबल लिंक लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या आप उसको सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो किस तरह के इंप्लीमेंटेशन हैं उसे डिसाइड होगा लिंक लिस्ट के केस में कि आप लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं और लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो अब तक जो मैंने कवर किया है इस वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियोस को मिलाकर, तो वो सारा लिंक लिस्ट की थ्योरी थी जो अब तक हम थ्योरी पोर्शन जो मोस्टली वो कवर कर चुके हैं। अब हम आएंगे इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस पर कि किस तरीके से आप लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करेंगे और किस तरीके से उसको हम यूज़ करेंगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं लिंक लिस्ट के इंप्लीमेंटेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको प्रोग्राम्स को कराना शुरू करूँगा। अब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर अब भी आप यहाँ से भी स्किप करके सीधा प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशंस पर भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।